ये मुद्रा। अब सोचिए ये हमारा जीवन है, अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार, और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता। अब श्रद्धा इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन करने। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर, ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था ना चली जाए। राधे राधे।